इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट 2 फिज़िक्स FSC पार्ट 1 के न्यूमेरिकल्स जो कि हमारे रह गए थे वो हम सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में लास्ट टाइम जो हमने किए थे वो थे पहले 7 न्यूमेरिकल किए थे, तो अगर आप पहले 7 में से कोई न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके FSC फर्स्ट ईयर लेक्चर्स में पहले वो वीडियो देख लें, अगर आप पहले 7 में से कोई न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं। तो आज हम यूनिट 2 का 2.8 जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे। 2.8 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है फाइंड द वर्क डन। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमने वर्क फाइंड करना होगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स लाजमी लगनी होती है, क्योंकि वर्क की डेफिनेशन है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए जब भी वर्क होना होगा। तो उसने फोर्स हमें दे दी है न्यूमेरिकल में, एफ इज इक्वल टू हमें दी गई है 3i + 2j। तो 3i + 2j, तो ये मैं गिवन मेथड की डाटा लिख रहा हूँ, 3i + 2j मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट 2, 1। एंड दो पॉइंट हमें दिए गए हैं, एक पॉइंट ए है उसको हम ए क्या लेते हैं, लेट 2, -1, और दूसरा पॉइंट बी है और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 6, 4। तो एक बॉडी है जिस पे फोर्स लगी है, इतनी मैग्नीट्यूड की फोर्स लगी है जिसकी वजह से बॉडी पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट ये थे यहाँ से मूव करके वो बी पे चली गई है जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं। तो अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं ना किसी पॉइंट के, तो हम उसके पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। तो पोजीशन वेक्टर सबसे बना लेते हैं पॉइंट ए के, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर्स बना लेते हैं। तो उसको हम पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को चूंकि आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ दो पॉइंट है ए और बी, तो पहले ए के पॉइंट को R1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, दूसरे के जो होंगे वो उसको R2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, पॉइंट बी के जो पोजीशन वेक्टर बनाएंगे हम जी। पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं, अब ए के बना रहे हैं तो पहला एक्स वाला कंपोनेंट होता है, दूसरा वाई वाला। तो एक एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है i2i - 1j, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जो बी के होंगे 6i + 4j हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने डिस्टेंस निकालना दो पॉइंट से दरमियान, तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या कर लेंगे, डी इज़ इक्वल टू R2 - R1। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, R2 की वैल्यू कितनी है, 6i + 4j - R1 कितना है, R1 है 2i - j। अब देखिए पीछे माइनस है तो आगे साइन चेंज हो जाएगा, तो 2i + j हो जाएगा। तो हमारे पास डी कितना आ जाएगा, डी हमारे पास आ जाएगा आई वाले में से आई वाला माइनस करेंगे, 6i में से 2i माइनस कर देंगे, 4i + 4j + j कितने हो जाएंगे, 5j। तो 4i + 5j, तो हमारे पास डी आ गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, वर्क का फार्मूला लगा लेंगे और डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक उसको सॉल्व कर लेंगे, W = F·D। हमारे पास एफ भी है, एफ कितना है 3i + 2j, डॉट डी कितना है हमारे पास, डी हमारे पास है 4i + 5j। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट में जो सिमिलर है वो 1 होंगे, बाकी तो 0 हो जाने हैं, तो इसलिए हम सिमिलर को सिमिलर से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 3 × 4, चूँकि ये 3 भी आई वाला है, ये 4i वाला है, तो 3 × 4 12 i·i 1 दरमियान में प्लस 2 × 5 10 j·j फिर 1 हो जाएगा। तो हमारे पास 12 + 10 = 22। अब इसका यूनिट जॉल नहीं लिख सकते क्योंकि न्यूमेरिकल में कहीं हमें यूनिट नहीं दिया गया, इसलिए हम 22 यूनिट्स लिख देंगे, तो ये इस न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 2.9 न्यूमेरिकल है, इसकी स्टेटमेंट में कहा गया 3 वेक्टर्स, अब उनके नाम नहीं दिए गए, हमने उनके नाम लिख लिए हैं, पहले का ए वेक्टर नाम रख दिया, दूसरे का बी वेक्टर, तीसरे का सी वेक्टर। कहा यह गया है कि शो करें कि ये जो वेक्टर्स हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका जो आंसर है वो 0 आता है, क्योंकि कॉस 90 परपेंडिकुलर में एंगल 90 डिग्री होगा, कॉस 90 0 होता है। तो हम लिखेंगे कि जो 3 वेक्टर्स हैं ना ABC, ये उस वक्त परपेंडिकुलर होंगे कि अगर हम A·B या B·C या C·A तीनों का डॉट लेके देखें एक दूसरे के साथ, तो वो 0 आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर्स विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ़ A·B, B·C और तीसरा जो है हमारे पास C·A,
ये सारे हमारे पास क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। अगर ये ऐसा हो गया तो ये हम कहेंगे ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इसको चेक करते हैं, अब ए डॉट बी, फिर बी डॉट सी, सबको चेक करके देखते हैं क्या ये वाकई में ज़ीरो आते हैं या नहीं। सबसे पहले हम ले लेते हैं ए डॉट बी। ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू, ए की जगह पर क्या लिखेंगे, आई प्लस जे प्लस के। क्यों? क्योंकि ए के हमारे पास वैक्टर है ही यही, डॉट दरमियान में डॉट डाल दिया, आगे बी है, बी की जगह पर क्या लिखेंगे, टू आई माइनस थ्री जे प्लस के। अब इनको कराएंगे मल्टीप्लाई, देखिए डॉट प्रोडक्ट है तो हम सिमिलर यूनिट वेक्टर को सिमिलर से ही करवाएंगे। तो आई वाले को आई वाले से, जे वाले से, के वाले को के वाले से। यहाँ पे आई का कॉफिशियंट वन है, यहाँ पे टू है, टू मल्टीप्लाई वन टू आई डॉट आई वन। अब यहाँ जे का कॉफिशियंट वन है, यहाँ माइनस थ्री है, माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन माइनस थ्री जे डॉट जे फिर वन। यहाँ भी कॉफिशियंट वन है, यहाँ भी कॉफिशियंट वन है, वन मल्टीप्लाई वन वन के डॉट के फिर वन आ गया। तो टू माइनस थ्री माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन, और ए डॉट बी का आंसर इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो पहला तो हमारा कंडीशन वो पूरी होगी कि ए डॉट बी जो है वो ज़ीरो आ गया है। तो अब बी डॉट सी चेक कर लेते हैं। तो ये बी की जगह पे हमने बी का लिख दी जो वैल्यू है, सी वेक्टर की वैल्यू लिख दी। अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे बिल्कुल उस तरह सिमिलर, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। तो यहाँ पे आई का क्वेश्चन टू है, वहाँ फोर है, टू मल्टीप्लाई बाय फोर एट आई डॉट आई वन, माइनस थ्री प्लस वन जब माइनस माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन थ्री जे डॉट जे वन। अब ये प्लस, यहाँ इसका कॉफिशियंट वन है, वहाँ उसका कॉफिशियंट माइनस फाइव है, वन मल्टीप्लाई माइनस फाइव के डॉट के फिर वन हो गया। तो बी डॉट सी का आंसर देखें वो भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्यों? एट मल्टीप्लाई वन एट माइनस थ्री फाइव, फाइव माइनस फाइव जीरो आ गया। अब लास्ट रह गया सी डॉट ए लेने के। तो सी की जगह पर क्या लिखेंगे, फोर आई प्लस जे माइनस फाइव के डॉट सी की जगह पे क्या लिखें, ए की जगह पे लिखेंगे आई प्लस जे प्लस के। तो उसी तरह आई वाले को आई वाले से फोर मल्टीप्लाई, यहाँ वन का कॉफिशियंट फोर मल्टीप्लाई वन फोर आई डॉट आई वन। अब जे का कॉफिशियंट वन है, वहाँ भी वन है, वन मल्टीप्लाई वन जे डॉट जे फिर वन, माइनस फाइव मल्टीप्लाई वन माइनस फाइव के डॉट के फिर वन। तो सी डॉट ए का आंसर देखें क्या आ जाएगा, फोर प्लस वन माइनस फाइव, फाइव माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। तो सी डॉट ए भी ज़ीरो आ गया। तो हमारी जो कंडीशन थी कि तीनों का आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो, वो हम क्या लिख देंगे, तीनों का आंसर चूँकि ज़ीरो आ चुका है इसलिए लिख देंगे हैंस प्रूव। बस साबित हो गया कि तीनों वैक्टर आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब 2.10 नुमेरिकल है, उसमें हमें दिया गया है ए वैक्टर आई माइनस टू जे प्लस थ्री के और बी वैक्टर थ्री आई माइनस फोर के। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब देखिए ए वेक्टर की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है बी के ऊपर, जिसकी प्रोजेक्शन है उसके साथ कॉस थीटा लगाया लगता है। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए है तो इसका मतलब है ए कॉस थीटा फाइंड करना है। अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए होता तो बी कॉस थीटा फाइंड करना था हमने। तो यहाँ पे ए कॉस ऑफ थीटा ये हमने क्या करना होगा, फाइंड आउट करना है। तो अब देखें जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, क्योंकि कॉस थीटा किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है, तो इसमें यहाँ से हमें हिंट तो मिल गया कि हमने यहाँ पे फार्मूला डॉट प्रोडक्ट वाला लगाना है। तो क्या फार्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। हमने ए कॉस थीटा फाइंड करना है, साथ में जो बी है ना दरमियान में आ रहा है ये मल्टीप्लाई आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, उधर जाकर डिवाइड करवा दें, क्योंकि हमें चाहिए ए कॉस थीटा, जस्ट बी नहीं चाहिए, तो उधर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ए कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ए डॉट बी चाहिए और ए चाहिए, मैग्नीट्यूड ए चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों को फाइंड करते हैं और इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड करते हैं, ए डॉट बी हमारे पास कितना आ जाएगा, ए की जगह पर क्या लिखेंगे, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के डॉट के, बी की जगह पर क्या लिखेंगे, फोर आई माइनस थ्री के। तो देखें इनको मल्टीप्लाई करवा लें, आई आई कॉफिशियंट यहाँ वन है, वहाँ फोर है, फोर मल्टीप्लाई वन फोर आई डॉट आई फिर वन, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये देखें यहाँ पे माइनस टू जे है लेकिन वहाँ पे जे है ही नहीं, इस साइड पे तो जे वाला कंपोनेंट है लेकिन उधर नहीं है, तो इसलिए ये इग्नोर हो जाएगा, इसलिए ये ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप के वाले को के वाले से करवाएंगे, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री माइनस, सॉरी ये ना बी की जो वैल्यू है ये गलत लिख, बी वाली वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, यह थ्री आई माइनस फोर के। तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री माइनस फोर के। तो अब यहाँ पे थ्री आई माइनस
फोर के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई बाय वन थ्री आई डॉट आई वन। अब ये जे वाला कंपोनेंट चूंकि उधर नहीं है ये इग्नोर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस थ्री फोर द ट्वेल्व के डॉट के फिर वन आ जाएगा। तो ए डॉट बी का हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, थ्री माइनस ट्वेल्व इक्वल टू माइनस नाइन। अब ए मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो हमारे पास एक्स क्या आ जाएगा, एक्स होता है आई वाला कंपोनेंट, तो ए वैक्टर का आई वाला कंपोनेंट क्या है, वन वन स्क्वायर प्लस सॉरी हमें बी मैग्नीट्यूड चाहिए, ये बी इधर जाके डिवाइड हुआ था तो इसलिए ए कॉस थीटा हमने फाइंड करना है तो बी ए डॉट बी के नीचे जाके डिवाइड हुआ, तो हमें बी मैग्नीट्यूड चाहिए ना कि ए मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बी मैग्नीट्यूड के क्या फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तीनों यूनिट वेक्टर हैं आई जे के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर भी लगाएंगे। तो बी में देखें जी आई वाला कंपोनेंट कौन सा है, आई वाला कंपोनेंट है थ्री, तो थ्री का स्क्वायर प्लस वाई वाला कंपोनेंट नहीं है इसलिए वो जीरो लिखते हैं, जीरो स्क्वायर प्लस जेड कितना है, जेड है माइनस फोर, माइनस फोर का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी डाल देंगे। थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, तो ये ट्वेंटी फाइव अंडर रूट हो जाएगा, और ट्वेंटी फाइव अंडर रूट बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो हमारे पास ए डॉट बी का आंसर जो कि हमें ये चाहिए था ये भी आ चुका है, माइनस नाइन, बी मैग्नीट्यूड हमारे पास फाइव आ चुकी है। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने क्या करनी है, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देनी है। तो हम क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन वन बना लेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस नाइन डिवाइडेड बाई फाइव, तो ये इसका आंसर आ गया। अलेवन न्यूमेरिकल नंबर 2.11 है, इसमें कहा गया हमें वेक्टर ए बी सी आर फोर यूनिट थ्री यूनिट एंड एट यूनिट, सात डायरेक्शन भी दी गई है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट रेस्पेक्टिवली एंड डिटरमाइन केयरफुली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी। तो हमें यहाँ पे ना तीन वेक्टर्स दिए गए हैं और तीनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बताई गई है। तो ए जो वेक्टर है ना, ए वेक्टर वो है हमारे पास फोर यूनिट्स नॉर्थ में, ए फोर यूनिट्स हमारे पास है नॉर्थ में, जो बी है वो कितना है, वो हमारे पास है थ्री यूनिट वेस्ट है, थ्री यूनिट वेस्ट में है, और जो सी है हमारे पास वो है एट यूनिट्स और वो हमारे पास किधर है, ईस्ट में है। और हमने फाइंड करना है केयरफुली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी, तो ये हमने फाइंड करनी है वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके लिए हमें बेहतर है कि हम ना कोई डायरेक्शंस बना लें। ये हमने डायरेक्शन बना ली है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये हमारा साउथ हो जाएगा। अब देखिए उसने हमें इसमें कहा क्या है, इसमें उन्होंने हमें कहा है कि जो ए वेक्टर है ना वो यहाँ पे है फोर यूनिट नॉर्थ में है, तो हमारे पास ये जो है ना ए बराबर है फोर यूनिट, ये नॉर्थ में है, और बी यूनिट बी थ्री यूनिट वो वेस्ट में है, तो यहाँ पे हमारे पास बी इज इक्वल टू थ्री यूनिट्स होगा, तो ये हमारे पास वेस्ट में बी है, तो यहाँ पर क्या होगा, बी इज इक्वल टू थ्री यूनिट, और जो हमारे पास लास्ट है सी वो ईस्ट में है, तो यहाँ हमारे पास सी होगा इज इक्वल टू एट यूनिट। ठीक है, तो अब हम इनको फाइंड करते हैं, चूँकि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है हमने, तो हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, साथ में एन यूनिट वेक्टर। तो ए मैग्नीट्यूड कितनी है, ए है फोर है, बी हमारे पास थ्री है। अब देखें ए और बी में एंगल कितना बनेगा, ये हमारा ए वेक्टर नॉर्थ में है, बी वेस्ट में है, तो ये नॉर्थ और वेस्ट 90 डिग्री, तो यहाँ पुट कर लेंगे साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, वन, तो 12 मल्टीप्लाई बाई थ्री ट्वेल्व, फोर मल्टीप्लाई थ्री ट्वेल्व हो जाएगा साइन 90 वन। तो हमारे पास ए क्रॉस बी का क्या आंसर आएगा, 12 एन यूनिट वेक्टर। अब हम ए क्रॉस सी लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो ए क्या हो जाएगा, ए है फोर, सी है एट, और इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा, ए और सी वेक्टर के दरमियान ये ए वेक्टर है और ये हमारा सी वेक्टर है। देखिए ये भी आपस में
नॉर्थ और ईस्ट ये भी परपेंडिकुलर बनते हैं, तो यहाँ भी साइन 90 पुट होगा, साइन 91, तो 4 3 32, तो ए क्रॉस सी कितना आ जाएगा 32 एन यूनिट वेक्टर। अब लास्ट आ गया बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी चेक कर लेते हैं, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी सी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। बी की जगह पे क्या लिखेंगे 3, सी की जगह पे क्या लिखेंगे 8, और साइन एंगल चेक कर लेंगे यहाँ क्या बनेगा। देखिए बी वेस्ट में है और सी ईस्ट में है, तो ये आपस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट हो तो एंगल होता है एंटी पैरेलल 180 डिग्री, तो साइन 180, तो साइन 180 जीरो होता है, तो इसलिए जो बी क्रॉस सी आ जाएगा हमारे पास उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। 12 न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा गया है द टॉर्क रिटर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द गिवन पॉइंट इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ, ये टॉर्क का फार्मूला है। कंसीडर अ फोर्स एफ इज इक्वल टू -3i + j + 5g, हमें फोर्स दी गई है, फोर्स भी दी गई है और हमें मोमेंट आर्म भी दे दिया गया है 7i + 3j + k। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है टॉर्क, टॉर्क हमने फाइंड करना है, तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, अब सॉल्यूशन हम करते हैं इस न्यूमेरिकल का, टॉर्क इज इक्वल टू फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ कर लेते हैं आई जे के, अब इनके हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं, पहले आर है तो आर क्रॉस एफ है इसलिए आर के पहले लिखेंगे, आई का कोफिशिएंट 7 है, वहाँ 3 है और के का 1 है, अब एफ आई है -3, जे 1 है और 5 है ये, तो अब हम टॉर्क निकाल रहे हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू जब हम आई का आई वाली कंपोनेंट निकालेंगे तो आई आई वाली कॉलम पे और आई वाले रो पे हाथ रख लेंगे, तो हम इसको हम छुपा लेंगे, तो बाकी हमारे पास ये जो ये बचेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस डाल के और इन दो को मल्टीप्लाई करें, तो 3 × 5 = 15 माइनस फार्मूले वाला 1 × 1 = 1 3 × 5 = 15 प्लस पहला पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव जे इन टू, अब जे वाली कॉलम को और रो को छुपा देंगे तो 7 × 5 = 35 तो यहाँ 35 लिख देंगे माइनस फॉर्मूले वाला और -3 × 1 - 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, पहला पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव, अब तीसरा फिर पॉजिटिव लेना है तो प्लस के इन टू, अब के वाले तो अब के वाले कॉलम को और के वाले रो को छुपा लेंगे 7 × 1 = 7 तो ये 7 आ जाएगा माइनस फॉर्मूले वाला -3 × 3 - 9 तो पहले ही वहाँ एक माइनस लिखा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 7 + 9 तो 7 + 9 बन जाएगा ये, तो हमारे पास टॉर्क कितना आ जाएगा, हमारे पास टॉर्क आ जाएगा 14i - 38j + 16k और टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो ये साथ में लिख देंगे न्यूटन मीटर, तो ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2.13 में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स हमें एक दी गई है i - 2j पासिस थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर आर -j + k, एक ऐसे पॉइंट से पास कर रही है जिस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर भी हमें दिए गए हैं -j + k, करना क्या हमने कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दी ओरिजिन, हमने टॉर्क निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क एक ही बात है, तो टॉर्क का फॉर्मूला सॉल्यूशन हम जाके जैसे पहले 12 न्यूमेरिकल में किया टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, उसी तरह डिटरमिनेंट मेथड यूज़ कर लेते हैं आई जे के, तो आर क्रॉस एफ पहले आर वाले आएंगे तो आर में आई तो है ही नहीं तो जीरो लगा देंगे, जे है -1 कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट है 1 और इसी तरह एफ में देखें आई कोफिशिएंट 1 है, जे का -2 है, के है ही नहीं तो के जीरो ले लेंगे, तो अब टॉर्क कैसे निकालेंगे, जब आई वाला कंपोनेंट निकालेंगे तो आई वाले कॉलम पे और रो पे हाथ रख लेंगे तो इनको मल्टीप्लाई -1 × 0 तो -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 0, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला तो -1 × 0 और दरमियान में माइनस ये फार्मूले वाला हमने डाल दिया, अब 1 × -2 तो -2 हो जाएगा, तो चूंकि यहाँ पहले ही एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस तो 2 हो जाएगा। आगे अब हमने आई वाला कर लिया, पहला पॉजिटिव आई होता है दूसरा नेगेटिव होता है, तो जे नेगेटिव इन टू, अब जे वाली कॉलम को छुपा लेंगे, जे वाले कॉलम को छुपा के इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 × 0
माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन, तो ज़ीरो माइनस वन ये माइनस वन ही आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं ज़ीरो माइनस वन ही लिख देता हूँ, ज़ीरो माइनस वन प्लस अब के इंटू, अब के वाला, तो के वाले कॉलम को छुपा लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। माइनस ज़ीरो मल्टीप्लाई माइनस टू ज़ीरो हो जाएगा और माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस फार्मूले वाला भी आएगा। ज़ीरो मल्टीप्लाई माइनस टू ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो गया, ज़ीरो मल्टीप्लाई माइनस टू ज़ीरो हो गया, माइनस वन माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फार्मूले वाला ये बन जाएगा प्लस वन। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू टू आई माइनस माइनस प्लस जे प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो प्लस वन वन मल्टीप्लाई बाई के, तो टू आई प्लस जे प्लस के इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी में हमें वो कह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज आई प्लस के। अब कह रहा है कि ना हमें एक ऐसे पोजीशन वेक्टर के क्रॉस मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है जिसके पोजीशन वेक्टर है आई प्लस के। अब देखिए उसमें हमें ना फोर्स न्यू नहीं दी गई, तो अगर तो फोर्स न्यू दी गई होती तो फिर हम उस फोर्स को इस आर के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते आई प्लस के वाले के साथ और हमारे पास आंसर आ जाता। अब हमें फोर्स न्यू नहीं दी गई, जब फोर्स न्यू नहीं दी गई इसका मतलब है हमें पिछला डाटा भी अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा तभी हम टॉर्क निकाल सकते हैं। अब चूंकि हमने इस पॉइंट के अक्रॉस मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो जिस पॉइंट के अक्रॉस निकालना होता है ना उसको आर वन लिया जाता है, तो इसलिए हम इसको आर वन कंसिडर करेंगे, अब इसको आर टू कंसिडर करेंगे। अब हमारे पास दो पॉइंट हो चुके हैं क्योंकि हमें फोर्स न्यू नहीं दी गई थी, तो नया डाटा नहीं दिया गया था पूरा, तो इसलिए हमने पिछला डाटा कंसीडर करेंगे जब, तो एफ तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब आर हमारे पास दो हो रहे थे तो हमने वन उसको कंसीडर करना है जिसके अक्रॉस निकालना है टॉर्क, तो ये हमारा वन हो जाएगा, वो हमारा पुराने वाला हमारा टू कंसीडर होगा। तो हम अब आर कैसे निकालेंगे, क्योंकि टॉर्क का फार्मूला तो आर क्रॉस एफ होता है, तो यहाँ आर टू आर वन दो आ रहे हैं, तो आर टू माइनस आर वन करके हम एक आर निकाल लेंगे फार्मूला लगा के आर टू माइनस आर वन। तो आर टू की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस जे जमा के, माइनस आर वन की जगह पे क्या लिखेंगे आई, अब चूंकि बाहर माइनस है तो जमा के एक्चुअली आना था लेकिन माइनस के हो जाएगा। अब माइनस के प्लस के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आर का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का आई माइनस जे, तो ये हमारे पास आर भी आ गया, एफ हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब हम टॉर्क लगा लेंगे फॉर्मूला, तो क्या फार्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो ये डिटर्मिनेंट बना लेंगे आई जे ये के। अब इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं, पहले आर लिखेंगे, आर में आई का कोएफिशिएंट है माइनस वन, जे का भी माइनस वन, के ज़ीरो है। एफ में देखें आई का कोएफिशिएंट वन, जे का माइनस टू, के का ज़ीरो है, तो अब क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इन टू, अब आई वाले कॉलम को उस तरह छुपा लेंगे, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो, तो माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ज़ीरो माइनस फार्मूले वाला, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस टू वो भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा सारा ही, तो ये तो कम्प्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम चलेंगे जे पे, पहला पॉजिटिव होता है आई तो जे नेगेटिव होता है, जे नेगेटिव होता है तो इन टू, अब जे वाले कॉलम पे हम इसको हाइड करेंगे तो वन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ये भी ज़ीरो आ जाएगा, माइनस फार्मूले वाला ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय वन वो भी ज़ीरो आ जाएगा। अब नेक्स्ट के करते हैं, के इनटू, अब के वाले कॉलम को हाइड करेंगे, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा टू, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला वन मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस वन, माइनस वन जब हम लिखेंगे पहले ही एक माइनस है, माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा थ्री के, ये हमारे पास टॉर्क आ जाएगा। नेक्स्ट चौदहवा न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा गया द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर सिक्स अंडर रूट थ्री एंड सिक्स रेस्पेक्टिवली फाइंड द एंगल बिटवीन दैम। तो हमने इसके दिन दो वेक्टर के दरमियान एंगल निकालना है, हमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों की मैग्नीट्यूड दी गई है, तो डॉट प्रोडक्ट की जो हमें मैग्नीट्यूड दी गई है तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड कितनी दी गई है, ए बी कोज ऑफ थीटा, ये फार्मूला होता है, ये दिया गया हमें सिक्स इंटू थ्री अंडर रूट, और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड भी दी गई है वो ए बी साइन ऑफ थीटा वो सिक्स दी गई है। अब इनके दरमियान एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने का तरीका ये है कि हम इन दोनों को इक्वेशन वन और टू का नाम दे लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर टू ये इक्वेशन नंबर वन, इन दोनों को हम करवा लेते हैं डिवाइड, तो डिवाइड करवा लें
क्वेश्चन नंबर टू बाय इक्वेशन नंबर वन, डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन नंबर वन। देखिए ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करवा लेंगे, मतलब ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर टू को वन पे डिवाइड करवा लेंगे, ये तो ये राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर सिक्स थ्री अंडर रूट। अब देखें ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया, तो साइन ओवर कॉज होता है टेन थीटा इज इक्वल टू वन ओवर थ्री अंडर रूट, वन ओवर थ्री अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे, टेन उधर जाके टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स वन ओवर थ्री अंडर रूट, जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास इसका आंसर, टेन इनवर्स लेने के बाद जो आया है वो आ रहा है 30 डिग्री, तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। उसके बाद 15 न्यूमेरिकल है, इसमें में कहा गया है अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लॉथ लाइन, दैट हमारे पास ये एक क्लॉथ लाइन है, इसके ऊपर एक लोड लटक रहा है, वो कितना है, वो 10 न्यूटन, तो हम ये लिख देते हैं W इज इक्वल टू 10 न्यूटन, एक लोड है वो क्लॉथ लाइन पे लटक रहा है। दिस डिस्टोर्ट द क्लॉथ लाइन सो दैट इट मेकिंग एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एट ईच एंड, कह रहा है कि ये जो लोड लटक रहा है ना, इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल एंड पे दोनों तरफ जो एंगल बनता है वो 15 डिग्री बन रहा है, तो हम यहाँ पे एंगल बना लेते हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस क्लॉथ लोड की वजह से एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री इधर हो जाएगा, 15 डिग्री इधर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे जब भी कोई चीज़ लटक रही होती है ना, तो रस्सी की वजह से उसमें जो फोर्स होती है वो होती है टेंशन फोर्स, तो यहाँ पे दो एक्सिस बन रहे हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, टेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड टेंशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, यहाँ पे जो होगी ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टी एक्स हो जाएगा, इधर भी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इस तरह इधर ये कौन सी होगी टेंशन अलॉन्ग वाई एक्सिस टी वाई और ये भी टी वाई। तो अब हमने हमें इसमें दिया क्या गया है, हमें लोड ऑफ 10 न्यूटन दिया गया है, तो W इज इक्वल टू 10 न्यूटन, एंगल थीटा हमें दिया गया है 15 डिग्री, टेंशन इन द स्ट्रिंग हमने कैलकुलेट करनी है, तो ये हमारा गिवन डाटा है। तो अब हम यहाँ देखें, यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ रहे हैं, यहाँ कंडीशन लग रही हैं इक्विलिब्रियम की, हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ी हुई है, हम जानते हैं सिग्मा एफ एक्स सिक्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास दो फोर्सेज लग रही हैं, एक टी एक्स पॉजिटिव है और एक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टी एक्स माइनस टी एक्स, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक एक पॉजिटिव होगी तो दूसरी नेगेटिव होगी, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू ज़ीरो, तो प्लस टी एक्स माइनस टी एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस पे जो फोर्सेज का सम है वो ज़ीरो हो रहा है। तो अब हम चेक करते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या सिचुएशन है, तो इधर तो ये ज़ीरो हो गई है, तो सिग्मा एफ वाई इक्वलेंट टू ज़ीरो। अब वाई एक्सिस पे एक तो ये है टी वाई प्लस इधर भी है टी वाई, और ये भी जो लोड है ये भी वर्टिकली लटक रहा है, तो वाई एक्सिस होगा तो माइनस डब्ल्यू, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, वो पॉजिटिव होंगी अपवर्ड है ये नेगेटिव है डाउनवर्ड है, इक्वल टू ज़ीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू ज़ीरो। अब वाई के अलॉन्ग कौन सा एंगल होता है साइन थीटा, तो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा माइनस डब्ल्यू उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। अब एंगल 15 डिग्री है, टी साइन 15 डिग्री प्लस टी साइन 15 डिग्री इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना 10 न्यूटन है, तो ये टू टी साइन 15 हो जाएगा, टू टी साइन 15 डिग्री इक्वल टू 10, तो हमें टी निकालना है, तो टू साइन 15 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 sin 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री कैलकुलेटर पे सॉल्व करके 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसको 10 पे डिवाइड करवाने के बाद इसका आंसर आ रहा है 19.3 न्यूटन। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए, इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।